हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो आज हम HCS क्विकर कैप्सूल के पार्ट 5 का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा एंशिएंट इंडिया और कुछ आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को कवर करेगा। तो दोस्तों, इसका मोटिव सिर्फ इतना सा है कि कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर से हैं, उनको एक ब्रीफ में डिस्कस किया जाए, ताकि आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाए और अगर इन टॉपिक्स में से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहें। अगर आप एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर की बात करें और पिछले 3 सालों का HCS का पेपर एनालाइज करें, तो आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो कुछ डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, पपेट्री, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं। तो इसी सब को अपना बेस बना के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, थ्री रत्नाज ऑफ जैनिज़्म। तो जैनिज़्म में थ्री रत्न है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KFC के नाम से याद रख सकते हैं। राइट नॉलेज, जिसे हमने के लिया, राइट फेथ F, राइट कंडक्ट KFC। तो राइट नॉलेज का मतलब है एक्सेप्टेंस दैट देर इज़ नो गॉड एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सोल। राइट फेथ इज बिलीफ इन टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। राइट कंडक्ट इज ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 वोज। देखिए दोस्तों, जो ये PDF बनाई गई है, ये इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट दिया जाए। ये कंटेंट देना पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ सिर्फ आपका रिविज़न कराना है। तो इसमें कोई भी चीज़ सीक्वेंस में इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि अगर जैनिज़्म का क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद बुद्धिज़्म आएगा, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, तो कोई क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करी गई है। बेसिकली पर्पज़ सिर्फ इतना है कि कोई भी ट्रिक्स यूज़ करके आपका मैक्सिमम कंटेंट रिवाइज़ किया जाए। अब अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो उसकी हड़प्पा की सदर्न मोस्ट साइट थी वो क्या थी? दैमाबाद। वो कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। नॉर्दर्न मोस्ट साइट की बात करें तो वो थी मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर। ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सुदगाग इन डोर। तो अब अगर वो यही क्वेश्चन पूछ ले कि इन चारों में से कौन सी ऐसी साइट है जो इंडिया में नहीं है, तो वो होगी हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइट। लोथल साइट, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे, ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? डबल बरियल्स के लिए। सबसे ज़्यादा फेमस यही है कि डबल बरियल्स के लिए फेमस थी और चेस के लिए भी फेमस थी। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ से आते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। बुर्जा होम, जो कि फर्स्ट न्योलिथिक साइट थी जो कश्मीर में डिस्कवर हुई, यहाँ पे क्या था कि जो डोमेस्टिक डॉग्स थे उनको अपने मास्टर्स के साथ उनकी ग्रेव में बरी कर दिया जाता था। मतलब जब उनको दफनाते थे मास्टर्स को, तो उनके साथ जो उनके डोमेस्टिक डॉग्स थे उनको भी दफना देते थे। अब अगर कुछ ऋग्वैदिक टाइम्स के रिवर की बात करें, तो सिंधु रिवर, जो आज की इंडस रिवर है, उसको ऋग्वैदिक टाइम में क्या बोलते थे? सिंधु। ये कहाँ की थी? पंजाब की। झेलम को क्या बोलते थे? वितास्ता, ये भी पंजाब की। चेनाब को क्या बोलते थे? असीकानी, ये भी पंजाब से। ब्यास को क्या बोलते थे? विपास, ये भी पंजाब से। रवि को क्या बोलते थे? पारुषनी, ये भी पंजाब से। सतलुज को सुतुद्री। सरस्वती को क्या बोलते थे? सरस्वती। घग्गर को क्या बोलते थे? दृशाद्वती। काबुल को कुभा। स्वाति को सुवास्तु। कुर्रम को क्रूमू। गोमल को गोमती। तो कई बार क्या करता है कि मैच द कॉलम्स में दे देगा कि आज का मॉडर्न नेम क्या है और ऋग्वैदिक नेम क्या था, तो आप थोड़ा आइडिया रखेंगे तो उसमें आपको ईजी रहेगा एलिमिनेशन से आंसर तक पहुँचना। अब अगर बात करें कि जो हमारे उपावेदा थे उनका किस वेदा से एसोसिएशन था, तो जो आयुर्वेदा था उसका एसोसिएशन किससे था? ऋग्वेदा से। गांधार वेद, गांधार मतलब म्यूज़िक, तो उसका क्या था? सामवेद से। धनुर्वेद, धनुर्वेद आर्चरी, धनुर जैसे बोलते हैं, तो उसका रिलेशन था यजुर्वेदा से। और लास्ट अगर बात करें शिल्प वेद की, अथर्वेद की, तो अथावेद की, तो उनका रिलेशन था अथर्वेद से। अब हमारे 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, सांख्या स्कूल, योगा, न्याय, वैशिखा, मीमांसा और वेदांता। अब जो एग्ज़ाम में पूछते हैं तो उनके फाउंडर पूछ लेते हैं कौन थे, या फिर उसका बेसिक टेक्स्ट पूछ लेते हैं कौन थे। अब यहाँ ज़्यादा आपसे ये नहीं पूछेगा किस फिलोसफी में क्या उसका कोर ऑब्जेक्टिव था, क्या उसका फिलोसफी का बेस क्या था। मेन आपसे जो है PCS में अक्सर ये फाउंडर्स और इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। सांख्या दर्शन जो थे उसके फाउंडर कौन थे? कपिला। योगा के थे पतंजलि। न्याय के थे गौतमा। वैशिषिका के थे कन्नड़। मीमांसा के थे जामिनी। और वेदांता के थे बद्रयाना। अब बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो इन टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 483 BC में। कहाँ पे हुई? राजगृह में।
अब इसके चेयरमैन कौन थे? महाकस्सपा। और इसके पैटर्न कौन थे? अजात शत्रु। अब ये पांचों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की लोकेशन भी, जो कि वैशाली में थी, उसका ईयर भी 383 BC, चेयरमैन कौन थे? सब्बा कामी, और पैटर्न कौन थे? कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, ये कहाँ पे भी? पाटलिपुत्रा में। इसके चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुट्टा थिस्सा, और पैटर्न कौन थे? अशोका। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का जिसके पैटर्न थे, इसके चेयरमैन कौन थे? वासुमित्रा, और वाइस चेयरमैन कौन थे? अश्वाघोषा। ये कब हुई? 1998 AD में, और कहाँ पे? कश्मीर में। तो अगर आप लोकेशन की बात करें तो RVPK ये कोड बना सकते हैं आप, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अब अगर आप बात करें इनके पैटर्न्स की, तो आप बना सकते हैं अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का, AK AK। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बन जाएगा RVPK आपकी वेन्यू से बन जाएगा। अगर आप पैटर्न्स की बात करेंगे तो AK AK, फिर आपको ये होगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब उसके बाद दो चीज़ें और बचती हैं, वो है आपके चेयरमैन। चेयरमैन में क्या बन जाएगा? MSMV, महाकश्यप, सब्बा कामी, मोगालीपुट्टा थिस्सा, और वासुमित्रा। और अगर ईयर की बात करेंगे तो वो आप थोड़ा याद कर लेंगे। देखिए, निमोनिक्स बना के, कुछ ट्रिक्स बना के चीज़ों को याद कर लिया जा सकता है, क्योंकि HCS या फिर और भी जितने PCS एग्जाम्स होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको याद करने का कोई ना कोई तरीका ही बनाना पड़ेगा। अब अगर महात्मा बुद्धा की लाइफ के कुछ इवेंट्स की बात करें, तो जो उनके बर्थ हुआ, जन्म हुआ, उसका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लोटस एंड बुल। महाविष्क्रमण, ये क्या था? रिनन्सिएशन, इसका क्या सिंबल है? हॉर्स। अब निर्वाणा जब उन्हें मिला, उसका क्या सिंबल है? बोधि ट्री, क्योंकि बोधि ट्री के नीचे ही उन्हें निर्वाणा मिला था। धर्मचक्र परिवर्तन, जो जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया अपना सारनाथ में, तो उसका क्या सिंबल है? व्हील। महापरिनिर्वाणा, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसका क्या सिंबल है? स्तूपा। ये पाँचों सिंबल जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब अगर बात करें 11th पॉइंट की, तो हम 24 जैन तीर्थंकर हैं, ये आपको पता ही है, तो इनके सिंबल्स हैं कुछ। देखिए, 24 के 24 को याद करना पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस को आप देख सकते हैं। ऋषभ जो पहले तीर्थंकर थे, उनका क्या था सिंबल? बुल। सेकंड अजीतनाथ का क्या था? एलिफेंट। अब अगर आप बात करें, लास्ट महावीरा थे, उनका क्या था? लायन। अब पारसनाथ का क्या था? सर्पेंट। अरिष्टा नेमी कॉन्च शेल, नेमीनाथ ब्लू लोटस। तो इस तरह से आप एक बार 24 के 24 को देख लें, और बाकी कुछ शुरू के 4 और लास्ट के 4 को ध्यान से याद कर लें। अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की कुछ बात करें, तो अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो वो कहाँ पे थी? बिहार में। इनके फाउंडर कौन थे? कुमारा गुप्ता, ये गुप्ता रूलर थे। उदांतापुरी की बात करें, ये भी बिहार में थी। इनके फाउंडर कौन थे? गोपाल। अब क्या करता है कि एक तरफ यूनिवर्सिटी देखे, दूसरी तरफ उसके फाउंडर पूछ लेगा मैच द कॉलम में, या फिर पूछ लेगा कि इसमें से बताओ कितने पेयर सही हैं या कौन कौन से सही हैं। विक्रमशिला जो कि बिहार में थी, उसके फाउंडर थे पाला रूलर धर्मपाल। सोमापुरी ये बंगाल में थी, इनके भी धर्मपाला फाउंडर थे। जगादल जो है, ये बंगाल में थी, इनके रामपाला थे। और वल्लभी जो है, ये गुजरात में थी, इनके भत्राका थे। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, उनके फाउंडर कोई ना कोई पाला रूलर ही थे। अब जैसे कि हमने देखा ऊपर कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, अब अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धिस्ट काउंसिल तो 4 थी, जैन काउंसिल कितनी थी? तो बेसिकली दोस्तों 2 जैन काउंसिल हुई थी। पहली 300 BC में, दूसरी 512 AD में। पहली का वेन्यू क्या था? पाटलिपुत्र। दूसरी का वल्लभी। चेयरमैन पहली वाली के थे स्थूलभद्रा, और दूसरी के थे देवार्दी शमस्त्रनामा। जो पहली वाली के पैटर्न थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब अगर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पोस्ट की बात करें, तो ये अक्सर PCS में या फिर UPSC का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कि कोई भी एक पोस्ट देख के पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब था, ये किसको रिप्रेजेंट करता था। तो सन्निदाता की बात करें तो ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर थे। समाहर्ता रिप्रेजेंट करता था कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को। उसके बाद एक पोस्ट थी व्यावहारिका, जिसको धर्मास्थ भी बोलते थे, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मास्थ न्यायालय। प्रादेशता कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ कंटक शोधन, मतलब क्रिमिनल कोर्ट। अब एक था धम्मा महामित्रा, न्यू पोस्ट क्रिएट कर दी थी अशोका ने, किसके लिए? एम्पावर्ड विद द ड्यूअल फंक्शंस ऑफ प्रोपगेटिंग धम्मा एंड टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फोक फॉर देयर मटेरियल फोक वेलबींग। एक थे राष्ट्रपाला कुमारा, वाइसरॉय थे ये। प्रादेशिका ये कौन थे? मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजूकाज, ये थे लेटर डे पटवारी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग द लैंड। एक थे युक्ता, ये कौन थे? सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। स्थानिका कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रादेशिका। प्रादेशिका हमने ऊपर देखे कौन थे? मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। गोपा कौन थे? रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। इसी तरह से और भी कुछ टर्म्स है दोस्तों, आप एक बार इस टेबल को देखिए मल्टीपल टाइम, जितनी बार आप पढ़ेंगे उसी से बेनिफिट रहेगा। कि एक बार में पढ़ के अगर आप ये सोचेंगे सब चीज़ें याद हो जाएंगी, तो इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि वन टाइम रीडिंग में इसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो आपका पर्पज़ क्या रहेगा कि मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को सुनिए,
मल्टीपल टाइम्स वीडियो को सुनिए, मल्टी टाइम्स इसकी पीडीएफ को पढ़िए, तो जाके कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिमाग में रिटेन कर जाएंगी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड याद हो, अगर एक आइडिया भी रहेगा तो आप एलिमिनेशन से भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब अगर हम बात करें नागाराका की, तो ये कौन थे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अक्ष पटाला अकाउंटेंट जनरल। सिद्धाध्यक्ष सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर। पान्याध्यक्ष ये थे सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। समस्ताध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। पोर्टवाध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। नवाध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। शुल्काध्यक्ष कलेक्टर ऑफ टोल्स। अकाराध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस। और एक थे हमारे लोहाध्यक्ष, ये कौन थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। अगर हम बात करें संगम पीरियड की, तो संगम पीरियड में तीन किंगडम हुए, चेरा चोला एंड पांड्या। अब एम्बलम की बात करें, तो जो हमारे चेरा थे उनका एम्बलम था बो, चोला का था टाइगर और पांड्या का था फिश। अगर हम इनके कैपिटल की बात करें, तो जो चेरा थे उनका कैपिटल था वंजी, चोला का था उरायूर और पांड्या का था मदुराई। अब इनके फर्स्ट रूलर की बात करें, तो चेरा के थे उदयांग गिराल, चोला के थे एलारा, और जो हमारे मुडुकुडुंगी थे ये थे पांड्या के फर्स्ट रूलर। इनका एम्बलम और कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें, तो इनके तीन संगम हुए, पहला मदुराई में, दूसरा कपाटापुरम में, और तीसरा भी मदुराई में। अब इनके चेयरमैनशिप की बात करें, तो पहले की चेयरमैनशिप थी अगस्त्या के पास, दूसरे की चेयरमैनशिप भी अगस्त्या के पास थी, और तीसरे की थी नाकिरार के पास। अब अगर कुछ गुप्ता इंस्क्रिप्शंस की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहा है अक्सर पीसीएस का में, कि आपसे कोई भी इंस्क्रिप्शन दे के पूछ लेंगे कि ये किस लीडर से एसोसिएटेड है, या फिर चार इंस्क्रिप्शन देख के पूछ लेंगे बताइए कौन सा लीडर किससे एसोसिएटेड है। तो समुद्रगुप्त किस किस इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड थे? प्रयाग अलाहाबाद स्टोन पिलर से, ईरान स्टोन पिलर से, और नालंदा कॉपर प्लेट से। चंद्रगुप्त सेकंड किससे थे? मेहरौली से। अब अगर स्कंद गुप्ता की बात करें, तो ये किससे थे? जूनागढ़ भितारी पिलर और इंदौर स्टोन पिलर से। और अगर हम यहीं बात करें बुद्धा गुप्ता की, तो ये किससे थे? पहाड़पुर कॉपर प्लेट से। तो चार जो मेन गुप्ता के रूलर्स थे उनके बारे में ऑलमोस्ट ये मान लीजिए आप आठ जो इंस्क्रिप्शन आपके वो एसोसिएटेड हैं। अब आपको एक आइडिया रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि जूनागढ़ रॉक जो इंस्क्रिप्शन था वो किससे एसोसिएटेड है, तो आप एकदम बताएंगे ये है हमारे स्कंद गुप्ता जी से। अगर ये पूछ ले आपसे कि बताओ नालंदा कॉपर प्लेट किससे रिलेटेड है, तो वो है समुद्रगुप्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वेदास और ब्राह्मणास देख लेते हैं कि कौन सा वेदा किस ब्राह्मणा से रिलेटेड है, किस वेदा में कौन कौन से ब्राह्मणास आते हैं। तो अगर हम बात करें ऋग वेदा की, तो उसमें दो ब्राह्मणास रिलेटेड हैं, ऐत्रीय ब्राह्मण और कोशिटाकी ब्राह्मण। अगर हम बात करें साम वेदा की, तो उसमें है तांड्य महाब्राह्मण और सादविमशा ब्राह्मण। यजुर्वेदा की यहीं बात करें, तो तैत्रीय ब्राह्मण एंड शतपथा ब्राह्मण। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें रहेंगे गोपद ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। देखिए हाई चांसेस वही हैं कि आपको मैच द कॉलम में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, कि इधर चार वेदा दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड पे चार ब्राह्मण दे दिए जाएंगे, जिसमें से शायद आपसे मैच द कॉलम करा लेगा, ये पूछ लेगा कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अब अगर कुछ बात करें इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो हरप्पा साइट थी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में। अगर बात करें राखी गढ़ी की, तो जो इंडिया की इंडियन कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट आईवीसी साइट है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट राखी गढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, बालाथल राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान, सुरकोटाडा गुजरात, बानावली हरियाणा। अब हरियाणा में अगर देखें, तो एक तो राखी गढ़ी है और एक बानावली है। आलमगीरपुर यूपी और मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन कौन सी है? हरप्पा, मोहनजोदड़ो एंड मेहरगढ़। हरियाणा में कौन कौन सी है? राखी गढ़ी। देखिए दोस्तों, बार बार बोल बोल के अगर रिविज़न करेंगे, मल्टीपल टाइम्स इन वीडियो को सुनेंगे, ऐसा मत सोचिए कि वीडियो को सिर्फ कंप्लीट करना है तो इसकी स्पीड बढ़ा के बहुत फास्ट देख लिया है। कंप्लीट नहीं करना है आपको, मल्टीपल टाइम्स एक वीडियो को सुनना है, सिर्फ इसीलिए कि ताकि ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन हो जाएं। अगर वहाँ पे सस्टेन हो गई, तो एग्जाम में ऑप्शंस को देख के आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। आप लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, किसी भी टाइम खाली बैठे हैं, तो वीडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन्स से सुनिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके दिमाग में स्टे कर जाएंगी। पॉइंट नंबर 20, द डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। Found in Mohenjo-daro, this 4-inch figure depicts a naked girl wearing only ornaments which include bangles in left arm, amulet, ये सब ठीक है। She stands in which posture? त्रिभंगा dancing posture, ये काफ़ी important है। एक तो ये देख लीजिए कि जो dancing girl का bronze sculpture है, world का oldest है, कहाँ पर है? Mohenjo-daro में है, ठीक है। ये almost एक naked girl है, और इसका posture क्या है? त्रिभंगा dancing posture। अब अगर हम बात करें गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल की, तीनों का कंपैरिजन करें, तो अगर जो देखें कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किस पे था, कि तो गांधार स्कूल था उस पर ग्रीक या कह सकते हैं हेलेनिस्टिक स्कल्पचर का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, मथुरा स्कूल इंडिजिनस था और अमरावती स्कूल भी इंडिजिनस था। तीनों में देखें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ, तो गांधार स्कूल में ब्लूश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ हुआ, मथुरा में रेड,
और अमरावती में वाइट। अब क्या रिलीजियस इन्फ्लुएंस था इन तीनों में? गांधार में मेनली बुद्धिस्ट था, मथुरा में तीनों रिलीजन थे बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदुज़म, और अमरावती भी मेनली बुद्धिस्ट था। पैट्रोनेज अगर देखें तो गांधार में कुशानास का था, मथुरा में भी कुशानास का था और अमरावती में सातवाहनास का था। एरिया देखें कि कहाँ पे फॉल करते थे, तो गांधार कहाँ करते थे, गांधार स्कूल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, मथुरा स्कूल वो मथुरा चौंक और कानका लिटिला एरिया में, और जो हमारा अमरावती स्कूल था इधर रहेगा कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में। अब अगर फीचर्स ऑफ बुद्धा की बात करें तीनों स्कूल में, तो गांधार स्कूल में क्या था कि स्पिरिचुअल स्टेट दिखाया गया बुद्धा का, जहाँ पे वो बहुत कम ऑर्नामेंट्स में और योगी की पोजीशन में बैठे हैं। अब अगर यही बात करें मथुरा स्कूल की, तो वहाँ बुद्धा को बहुत डिलाइटेड मूड में दिखाया गया, मस्कुलर बॉडी, शेवन फेस एंड हेड। और अगर हम लास्ट में बात करें अमरावती स्कूल की, तो वहाँ पे क्या है कि बुद्धा के जो इंडिविजुअल फीचर्स हैं उन पर काफ़ी कम एम्फेसिस हुआ है, लेकिन जो जात का टेल्स हैं उसको ज़्यादा डिपिक्ट किया गया है। अब अगर कुछ केव्स की बात करें कि कौन सी केव्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, तो अगर हम बात करें अजंता केव्स की, तो बेसिकली अजंता केव्स हमारी कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में। अगर हम यहीं बात करें एलोरा केव्स की, वो भी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में और कौन सी केव है, नासिक केव और एक मंडा पेशवर केव। और यहीं हम बात करें बाघ केव्स की, तो ये MP में है। जूनागढ़ केव्स की, ये गुजरात में है। और एक उदयगिरी केव्स की, ये मध्य प्रदेश में। अब आपका एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से ही, ये जो आपके सामने सात केव्स अभी डिस्कस हुई हैं, इनमें से किसी एक केव को पांडव लेनी केव के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वो कौन सी केव है जिसको पांडव लेनी केव के नाम से जानते हैं। गोइंग टू पॉइंट नंबर 23, कुछ टेम्पल्स को देख लेते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे है और वो किस भगवान को डेडिकेटेड है। वेंकटेश्वरा टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश में है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा को। वाराहा लक्ष्मी नारासिम्हा टेम्पल, ये भी आंध्रा में है, लॉर्ड वाराहा नारासिम्हा को डेडिकेटेड है। श्री ब्रह्मा रामबा मल्लिकार्जुना टेम्पल, ये भी आंध्रा में है, लॉर्ड शिवा पार्वती को डेडिकेटेड है। सूर्य नारायण टेम्पल भी आंध्रा में है, सनगोड को डेडिकेटेड है। अगर हम अगली की बात करें, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी लॉर्ड रंगनाथा को डेडिकेटेड है। वीरभद्रा टेम्पल भी आंध्रा में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। अब एक मालिनीथन टेम्पल जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये दुर्गा जी को डेडिकेटेड है। दुर्गा का किस फॉर्म को, शक्ति फॉर्म को। कामाख्या टेम्पल आपको पता है असम में है, ये मदर कामाख्या को डेडिकेटेड है। उमानंदा देवालोई अभी असम में है, उमानंदा जी को डेडिकेटेड है। नवग्रह टेम्पल असम में है, नवग्रह को डेडिकेटेड है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में है, लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है। अब अगर हम ऐसे बात करें हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक में, अगर एक डिफ्रेंशिएशन करें, तो हम देखेंगे कि जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उस पर किसका इन्फ्लुएंस था, अरब, पर्शियन और अफगान का, और जो कर्नाटिक म्यूज़िक था वो हमारा इंडिजिनस डेवलप था। फ्रीडम की अगर बात करें, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में स्कोप था आर्टिस्ट के पास इम्प्रोवाइज़ करने का, लेकिन यहीं कर्नाटिक म्यूज़िक की बात करें तो वहाँ कोई फ्रीडम नहीं थी इम्प्रोवाइज़ करने की। अब अगर हम कुछ सब स्टाइल्स की बात करें इन दोनों म्यूज़िक के अंडर, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक के अंडर, तो हिंदुस्तानी में काफ़ी सारे सब स्टाइल्स थे जिनको हम घरानास बोलते हैं, लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक में केवल एक ही फिक्स पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग था। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने कि वोकल्स, लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक में वोकल म्यूज़िक पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स पर। अगर रागास की बात करें, तो हिंदुस्तानी में 6 मेजर रागास थे और कर्नाटिक में 72। टाइम की बात करें, तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक था ये टाइम को अडहेयर करता था, लेकिन कर्नाटिक जो अपना कर्नाटिक म्यूज़िक है उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई टाइम को अडहेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मन करे उतना वो सिंग कर सकते थे। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो हिंदुस्तानी में तबला, सारंगी, सितार और संतूर, और कर्नाटिक की बात करें तो वीणा, मृदंगम और मैंडोलिन। एसोसिएशन अगर बात करें, तो कहाँ थी डिफरेंस में, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की नॉर्थ इंडिया में थी, और जो कर्नाटिक म्यूज़िक था इसका यूजुअली साउथ इंडिया से एसोसिएशन था। अब अगर देखें कॉमनलिटी दोनों में क्या है, तो फ्लूट एंड वायलिन दोनों में कॉमन था हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक में। पॉइंट नंबर 25, कुछ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं फोक म्यूज़िक्स की, और उनके किस स्टेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें बॉल फोक म्यूज़िक की, तो वो वेस्ट बंगाल से हैं, वानावन कश्मीर, पांडावानी छत्तीसगढ़, अल्लाह मध्य प्रदेश, पानीहारी राजस्थान, ओवी महाराष्ट्र एंड गोवा, पाईसोंग मध्य प्रदेश, लावानी महाराष्ट्र, मांड राजस्थान, डांडिया गुजरात। यहीं बात करें पोवाड़ा की, तो ये महाराष्ट्र, खोंगजोम पारवा मणिपुर, भावागीती कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड मांडो रिप्रेजेंट्स गोवा। वन मार्क में ये कभी भी आपको देके पूछ लिया जा सकता है। आप पिछले साल का भी HCS का पेपर उठा के देखेंगे, तो इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें कि कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो वो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहीं बात करें कुचिपुड़ी की,
तो वो आंध्र प्रदेश को करता है, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम भी केरला, उड़ीसी उड़ीसा, ये तो ईजी रिमेंबर करना। ऐसे ही मणिपुरी मणिपुर ईजी टू रिमेंबर, कथक हमारी यूपी का है, सत्री हमारे असम का है। कुछ फोक डांसेस की बात करें तो जैसे चाहू डांस, ये झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर बात करें गरबा की, गुजरात को, तरंगमल गोवा को। देखिए कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना के कुछ आइडिया लेके, कभी आपने कहीं विजिट किया हो, आपने कोई डांस फॉर्म वहाँ पे देखी हो, कोई आपने मूवी किसी में कोई डांस रिप्रेजेंट किया गया हो, या किसी का कोड बना के, जैसे जी फॉर गरबा, जी फॉर गुजरात, तो इस तरह से ही करके आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घूमर रिप्रेजेंट राजस्थान, कलबेलिया भी राजस्थान, चरबा हिमाचल प्रदेश, जवारा मध्य प्रदेश, गोरमारिया छत्तीसगढ़, पाइका रिवेलियन आपने सुना होगा मॉडर्न इंडिया में, पाइका उड़ीसा, झूमर झारखंड एंड उड़ीसा। उसके बाद बिहू, ये तो बहुत आसान है, असम का है, थांगटा मणिपुर, सिंगीछम सिक्किम, कुम्मी तमिलनाडु एंड केरला, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें बुट्टा बोमालू आंध्र प्रदेश, काई कोटिकली केरला, पादयानी केरला। 28 कुछ पपेट्री देख लेते हैं। तो पपेट्री को जो है क्लासिफाई इंडिया में 4 टाइप्स में किया गया, स्ट्रिंग पपेट्री, शेडो पपेट्री, ग्लव पपेट्री एंड रोड पपेट्री। तो अगर हम स्ट्रिंग पपेट्री की बात करें तो उसमें 4 टाइप्स की पपेट्री हैं। कठपुतली जो कहाँ से है, राजस्थान से। उसके बाद कुंडेही की बात करें तो वह कहाँ से है, उड़ीसा से। गोम्बेट्टा की बात करें, कर्नाटका। बोमालट्टम की बात करें, तमिलनाडु। अगर हम शेडो पपेट पे आएँ तो थोलू बोमालट्टू जो है वो है कर्नाटका। रावणाचैया उड़ीसा। टोगालू गोम्बेट्टा ये किधर से रहेंगे, हमारे आंध्रा। उसके बाद ग्लव पपेट में बात करें पावा कुटू की, तो ये केरला। उसके बाद रोड पपेट में यामपुरी बिहार से, और जो पुटुल नाच है ये रहेगा बंगाल उड़ीसा एंड असम। तो वही है कि आपसे पपेट, कोई भी पपेट्री पूछ के उसका स्टेट पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि वो किस टाइप की पपेट्री है, स्ट्रिंग, शेडो, ग्लव या रोड। आप हमारे HCS की जो मॉक टेस्ट सीरीज है अगर उसमें देखेंगे तो हमने काफ़ी हद तक हर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करी है, HCS प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज को, जिसमें हमने 5 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं। तो अगर आप ये 500 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया है, और होपफुली आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट भी होते मिलेंगे। जो हमारा ये HCS का बूस्टर कैप्सूल चल रहा है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके वहाँ पे रिपीट होंगे। कमिंग टू पॉइंट नंबर 29, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, उनको क्या बोलते थे, फादर ऑफ हिस्ट्री। एक जर्मन हिस्टोरियन थे लियोपोल्ड वॉन रेंकी, उनको बोलते थे फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब आज के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत में आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं। अब ये कहाँ पे हैं, एक है सोमनाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे हैं, गुजरात में। एक है नागेश्वरा ज्योतिर्लिंगा, ये भी गुजरात में। मल्लिकार्जुन स्वामी आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर उज्जैन MP में। उसके बाद ओमकारेश्वर, ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट MP में। काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में। बैद्यनाथ झारखंड में। रामेश्वर तमिलनाडु में। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। उसके बाद देखेंगे त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल महाराष्ट्र में। भीमाशंकर महाराष्ट्र में। हमने देख लिया। अब हम अगर ये देखें, हमने आपसे HCS की टेस्ट सीरीज में पूछा भी था कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा हैं महाराष्ट्र में, कितने, 3। अब यहीं बात करें कि हरियाणा में कितने हैं, तो वो हैं 0। तो दोस्तों इसी तरह से आज हम ये अपना 5th पार्ट यहीं पर रैप अप करते हैं एंशंट इंडिया का। ऐसा नहीं है कि हमने एंशंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर का सारा पोर्शन कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उसको हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। बाकी इसी वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल nee_civil से ले सकते हैं, और उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी जो HCS प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिसकी मैंने बात करी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसकी 5 टेस्ट की जो हमारी 10 डिस्कशन वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल की सारे डिस्क्रिप्शन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप हमारे और कोर्सेज जैसे कि UPPCS की मेंस टेस्ट सीरीज़ और BPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं।